का शताब्दी सोहरा है। ये कार्यक्रम बम्बई से चालू हुआ है 35-36 साल पहले, और बम्बई के और पूना के और सूरत के लोग यहाँ के वहाँ इसको मनाते थे, और इस साल 125 साल होने की वजह से ये उनके जन्म स्थान नागपुर में मनाने का सबने डिसाइड किया, और मुंबई पुणे सूरत ये बाजू से सब लोग भक्त लोग आके यहाँ हम ये जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। 23 साल से जो आप यहाँ पे नागपुर मना रहे थे, 125 जन्मदिन होने के कारण आप यहाँ नागपुर में मना रहे हैं। हाँ जी, इसमें कितने लोग आपके मुंबई पुणे और सूरत से आए हुए हैं? हजारों भक्त आए हुए हैं, हजारों आज भक्त आए। वहाँ आश्रम भी आप लोग का? आश्रम तो नहीं, आश्रम तो यही है वाकी में है। एक्चुअल वहाँ पे भी ऐसा कोई स्थान है कि जहाँ पे? वहाँ पुणे में स्थान है और मुंबई में भी स्थान है, भक्त लोग हैं वहाँ, भक्त लोग हैं वहाँ पे। वहाँ वो हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम बाबा के नाम पे करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी बाबा का 125 जन्मदिन है और सभी लोग? महसूस नहीं हो रहा, ये स्वप्न रंजन जैसा है हमारे लिए तो, और बाबा है बस इतना ही मालूम है। 100 साल का बाबा का जन्म दिवस आपको मनाने के लिए प्रेरणा दी बाबा ने, बस उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो श्रद्धालुओं की अभी जो श्रद्धा है उसे और बढ़ रही है? पूरी बरकरार है। जब बाबा मिले थे तब से ज़्यादा ही है, और श्रद्धालु भक्त आपके नए नए भक्त नए जनरेशन के लोग बाबा को अनुभव लेके जुड़ रहे हैं बाबा के लोग। तो मुंबई से राहुल देशपांडे के जो दादाजी जो थे पंडित वसंतराव जी देशपांडे, अच्छी देशपांडे हॉल वाले, हाँ देशपांडे हॉल जो है वो बाबा के परम भक्त थे, और उनके टाइम से बाबा का और उनके घराने का रूढ़ अनुबंध है। तो ये जो राहुल देशपांडे जी कहाँ से आए? ये पुणे से आए। कार्यक्रम बाहर होते हैं या इंडिया में होते हैं? नहीं, बाहर भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। और वो सेलिब्रिटी है, अभी हर टीवी चैनल में देखो राहुल देशपांडे है, वो बाबा की कृपा है उनके घराने के ऊपर।